गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 157 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है अपना किंग्स स्टोरी, राजा की कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। स्टोरी क्या है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स चेगू एंड अनार। जो राजा है वो दो कारपेंटरों से बहुत खुश था। कारपेंटर में से बढ़ाई क्या कौन कौन है, चेगू एंड अनार। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। उन्होंने राजा के लिए, मतलब उसके लिए, एक बहुत बड़ा और सुंदर बेड बनाया था, ठीक है ना, राजा के लिए। सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेगू एंड सम गोल्ड टू अनर। तो यहाँ पर जो राजा है वो उनसे खुश होकर वो उनको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो गिफ्ट में कुछ लैंड, मतलब जो जमीन है, वो चेगू को देना चाहता है, चेगू, और कुछ सोना वो अनर को देना चाहता है, ठीक है ना। चेगू टेक एज मच लैंड एज वाट कम्स विद इन 100 meters वायर। अब राजा कहता है चेगू से, चेगू तुम उतनी जमीन ले लो जितना कि 100 meter वायर में बन जाती हो। मतलब यहाँ पे राजा ये कह रहा है कि 100 meter का वायर, ठीक है ना, तार ले आओ, उससे तुम जितनी बड़ी जमीन लैंड बना सकते हो उतनी हम तुम्हें लैंड दे सकते हैं, ठीक है ना। चेगू वाज हैप्पी, ही टुक 100 meter ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल। चेगू बहुत खुश हुआ, वो एक 100 meter का वायर ले आया और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल, ठीक है ना, बनाने लगा जमीन के टुकड़ों के लिए, ठीक है ना। ही मेड अ 10 meter मल्टीप्लाइड बाई 40 meter रेक्टेंगल। सबसे पहले उसने एक 10 × 40 meter का रेक्टेंगल बनाया। इट्स एरिया वाज 400 square meter। तो सबसे पहले उसने कैसा रेक्टेंगल बनाया, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले उसने इस तरीके कुछ रेक्टेंगल बनाया जिसकी जो जो लेंथ ऑफ ब्रेथ थी 10 × 40, मतलब एक 40 meter की साइड होगी और एक 10 meter, ठीक है ना। मीन्स ये 40 होगी तो ये भी 40 होगी और ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है ना। मीन्स उसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 40 है और लेंथ ब्रेथ 10 मीटर है, ठीक है ना। लेंथ आई 40 मीटर और ब्रेथ आई 10 मीटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 40 तो इधर भी 40 हो जाएगा, तो 40 40 कितना हो गया 80, और ये 10 तो इधर भी 10 हो जाएगा, तो 10 10 20, तो 20 और 80 मिला कितना हो गया 100 हो गया ना। तो 100 मीटर वायर से इस तरीके रेक्टेंगल बनेगा। इसी तरीके से सो ही नेक्स्ट मेड 30 meter × 20 meter रेक्टेंगल। अब उसने जो अगला रेक्टेंगल बनाया वो कुछ इस प्रकार है, मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो जो अगला रेक्टेंगल बनाया वो कुछ इस तरीके से होगा, 30 × 20 मीन्स एक साइड उसकी 30 को, सपोज दैट ये वाली साइड 30 की है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है 30 30 की आ गई, और ये 20 की है, ठीक है ना, तो ये भी 20 की होगी, ठीक है ना। मीन्स उसकी लेंथ 30 30 meter होंगी और वे 20 20 meter, ठीक है ना। तो इस तरीके रेक्टेंगल हुआ। अगर इसको भी अगर हम प्लस करके देखें तो 100 आता है, 30 30 कितना हो गया 60, और 20 + 20 कितना हो गया 40, जब सभी साइड को प्लस करो कितना आएगा 100 meter। तो यहाँ तो 100 meter से इस तरह का भी रेक्टेंगल बन सकता है। अब यहाँ नीचे क्वेश्चन पूछा गया, वाट इज इट्स एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या ये इसका एरिया पहले वाले एरिया से क्या ज्यादा है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, मीन्स लेंथ और ब्रेथ की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो एरिया निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 30 और 20 क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखते हैं कितना एरिया आता है। तो इसको इस तरीके निकाला है,
एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, मतलब दूसरे वाले रेक्टेंगल के एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेथ। तो लेंथ कितनी है 30, दूसरी क्या है वेथ, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 600 आएगा, और ये किस में थे, मीटर में, तो लिख दोगे स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिय पूछा गया है, इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या ये फर्स्ट रेक्टेंगल से ज्यादा है। देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल कितना एरिया था 400 स्क्वायर मीटर, इसका कितना है 600 स्क्वायर मीटर, तो यस इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। यस ये वाला, इसका एरिया सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले एरिया से ज्यादा है, मतलब फर्स्ट जो सेकेंड वाले का एरिया फर्स्ट वाले रेक्टेंगल से ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब मोर देन है, तो यहाँ पे लिख दोगे यस इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन बी मेक विथ 100 मीटर ऑफ वायर, डिस्कस विच ऑफ दीज रेक्टेंगल विल हैव द बिगेस्ट एरिया। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि अब और कौन से ऐसे रेक्टेंगल बन सकते हैं 100 मीटर वायर से। ठीक है ना, और फिर आपको बताना है कि किस रेक्टेंगल, इनमें से किस रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा एरिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि 100 मीटर वायर से और कौन कौन से रेक्टेंगल बन सकते हैं, मतलब उनकी लेंथ और विड्थ अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कौन कौन से रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि 100 मीटर वायर से कौन कौन से रेक्टेंगल बनेंगे। तो पहला रेक्टेंगल बनेगा ये जिसकी लेंथ 45 मीटर हो और वेथ 5 मीटर हो। ठीक है ना, तो इसकी इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 225 स्क्वायर मीटर। इसी तरह दूसरा बनेगा जिसकी लेंथ 35 मीटर हो और वेथ 15 मीटर हो। ठीक है ना, तो इसका एरिया आएगा दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 525 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से तीसरा ऐसे बनेगा जिसकी लेंथ 20 मीटर हो और वेथ 30 मीटर। देखिए ऊपर हमने बताया था कि लेंथ 30 मीटर और वेट 20, मतलब अपोजिट भी बन सकता है। जैसे अगर फर्स्ट इसको जो ले लें तो हमने बताया लेंथ 45 मीटर और वेट 5 मीटर, तो इसका अपोजिट बन सकता है 5 लेंथ और 45 वेट। ठीक है ना, ऐसे ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर और 30 मीटर जिसका एरिया 600 स्क्वायर आएगा स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो ये कितने बन गए यहाँ पे 1, 2, 3। अब नीचे यहाँ पे एक ऐसा भी रेक्टेंगल बन सकता है जिसके मतलब लेंथ और वेथ दोनों इक्वल हों। देखो यार 25 मीटर और 25 मीटर, ठीक है ना, तो जिसके दोनों लेंथ और वेथ इक्वल होते हैं वो क्या होता है स्क्वायर। मींस ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेंथ मल्टीप्लाइड वेट होता है ना एरिया का निकालना, तो इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, मींस ये तीनों क्या है रेक्टेंगल, नीचे वाला क्या है स्क्वायर, मतलब ऐसा स्क्वायर है जिसकी लेंथ और वेट इक्वल है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा किसका एरिया आया, ये स्क्वायर का आया ना। तो यहाँ पूछा गया था कि डिस्कस करना था, तो यहाँ पे लिख दोगे द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ इक्वल टू वेथ, मतलब वो उस रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और वेथ क्या इक्वल है, जिसको क्या बोल सकते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, जिसकी लेंथ और वेथ मीन्स चारों साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, विल हैव द बिगेस्ट एरिया। ठीक है ना, उसका एरिया क्या है सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये ऊपर क्वेश्चन दिया था, इसका इस तरीके से आंसर लिख देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट चेगूज वाइफ आस्क्स हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। अब यहां पर जो चेगूज की वाइफ है वो उससे पूछती है कि टू मेक अ सर्कल विद वायर। अब आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं ड्रॉ करना है, अब आपको इससे क्या बनाना है, एक सर्कल बना दो। ठीक है ना, सी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर, वह जानती थी कि इसका एरिया कितना आएगा 800 स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब जो चेगूज वाइफ थी, ठीक है ना, उसने उनसे कहा, अपने जो चेगूज है उससे क्या कहा, उसने हस्बैंड से कहा कि अब आपको रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करना है ना स्क्वायर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि सर्कल का एरिया ज्यादा होता है। ठीक है ना, आई वॉन्ट दिस पीस लैंड इट कवर्स एन एरिया 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, वो 800 स्क्वायर मीटर।
तो यहाँ पर ये पता चला कि जो सर्कल होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाई डिड चेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल प्लेन। चेगू ने जमीन लेने के लिए राजा से वो रेक्टेंगल को क्यों नहीं चूज किया, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिख देना, बिकॉज हिज वाइफ नो दैट अ सर्कल मेड विथ दिस वायर विल हैव एन एरिया ऑफ 800 मीटर। क्योंकि उसकी वाइफ जानती थी उसकी जो सर्कल होता है, ठीक है ना, किसी भी कोई भी एक पेरीमीटर का कोई भी एक वायर है, जितने भी 100 मीटर, मतलब सपोज 100 मीटर का वायर है, तो जो सर्कल बनेगा उससे उसका एरिया जो उससे बनने वाले रेक्टेंगल और स्क्वायर है उनसे हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखना है इस वाले का, इसका मैं आंसर लिख के नीचे बता देता हूँ कैसे लिख लेना है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिख लेना, बिकॉज हिज वाइफ नो दैट अ सर्कल मेड विथ हिज वायर विल हैव एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। जो वायर से जो सर्कल बनेगा उसका एरिया 800 मीटर आएगा और उसका एरिया सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसने क्या चूज किया, इसलिए उसने रेक्टेंगल को नहीं चूज किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया, ओके चीगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, ठीक है ना। अब वो राजा कहता है ठीक है, तो आप लीजिए 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, तो आप ले सकते हैं 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, जमीन जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो वो आप ले सकते हैं। अनर नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके अब वो अनर को बोल देता है राजा कि मैं आपको गोल्ड वायर दूंगा, सोने का तार दूंगा, और जिसकी बाउंड्री से आप जो उसकी लैंड की बाउंड्री बनेगी और जिसका एरिया क्या होगा 800 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जो अनर के जो शेप बनाए थे उसने अलग अलग, उसके बारे में अलग मतलब कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, आज सिर्फ हमने किसके बारे, किसके लैंड के बारे में, किसके शहर के बारे में जाना, चेगूस के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम चेगूस के शहर के बारे में जानेंगे। अगले क्लास में फिर हम जो अनर का जो उसने कैसे कैसे साइज के रेक्टेंगल ड्रॉ किए होंगे उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज की एक्सरसाइज यही समाप्त होगी, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।